सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारी फैमिली बड़ी हो गई है और हमारा घर छोटा हो गया है, ओके तो सर अब आगे क्या करा जाए कि हमको घर एक नया लें या हम किराए पे जाएं? तो सर राइट। बहुत बड़ी सिचुएशन आ गई है, तो तो उसमें क्या आप करें? डिसीजन डिसीजन लेना चाहते हैं, मेकिंग समझ गया हूं। आपका क्वेश्चन है कि फैमिली बड़ी हो गई है फैमिली बड़ी हो और घर छोटा हो छोटा गया पड़ रहा है, और हिंदुस्तान में हर घर में यही प्रॉब्लम है, हर घर के अंदर यही प्रॉब्लम है कि फैमिली बड़ी हो गई और घर छोटा पड़ रहा है। तो अब किराए पर लें या खरीदें, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है हम लोग की लाइफ में। तो क्या करना चाहिए, थोड़ा और समझता हूँ आपसे मैं। फैमिली में कितने लोग हैं? सर। फैमिली में हम 4 लोग हैं, मम्मी हाँ पापा, हम 2 भाई, हाँ और भाई की शादी हो गई है हाँ और उसके बच्चा हुआ है, हाँ तो और आगे चल के सर मेरी भी शादी होगी, हाँ तो हमारा 2 BHK फ्लैट टू है, बी एच के फ्लैट और है। सर थोड़ा सा फैमिली एक्सपेंड हो रही है, तो हाँ सर उसके लिए हम बड़ी प्रॉब्लम में है कि अब नए घर में जाएं या हम किराए पे मकान लें। हाँ समझ गया, आपका क्वेश्चन समझ गया हूँ मैं। मुझे ये बताओ कि अभी जो आपका घर है, अंदाजन कितने में बिक जाएगा? सर अराउंड 35 to 40 lakhs 40 तक लैक्स में बिक जाएगा 2 BHK। ओके, और जो खरीदने का आपने कुछ पता किया है? यस तीन सर, हमने थोड़ा पता किया था, हाँ तो सर वो 70 to 75 lakhs अराउंड पड़ेगा, आ रहा है। तो अब आपको अपनी तरफ से करीब करीब 20-25 लाख रुपए लगाना एक्स्ट्रा पड़ेगा। लगाना ये पड़ेगा। आप डिसीजन लेना चाहते हैं कि क्या करें। मैं आपको 2 केस स्टडी शेयर कर सकता हूँ, उस केस स्टडी को सुनने के बाद आप डिसीजन लें कि क्या करना चाहिए, आपको बड़ा समझ में आ जाएगा। मेरे 2 कजन हैं, मतलब नाम ले रहा हूं मैं, एक का नाम है हरविंदर, हरविंदर के साथ भी ये प्रॉब्लम ही थी उनका, मतलब कजिन मतलब दूर के रिलेटिव्स हैं, तो उनके 2 BHK था। अब शादी हुई तो उनको वाइफ आई तो एक बच्चा हो गया। अब उनके पास 2 BHK कम पड़ा, तो उन्होंने क्या किया मैं बताता हूं, उनकी केस स्टडी समझिएगा, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड केस स्टडी है उनकी। उन्होंने क्या किया, अपना मकान किराए पे चढ़ाया और नया मकान खरीद लिया। सो जो नया मकान खरीदा उसने करीब 60 लाख का लिया। मेरा जो कजन ब्रदर है, ये आपसे 4-5 साल पुरानी बात बता रहा हूं आपको मैं, हरविंदर ने जो लिया मकान, अब जो 60 लाख का मकान लिया, अंदाजन बता रहा हूं आपको, उसमें उसने 10 लाख रुपए उसने पे कर दिया, 50 लाख का लोन लिया। अब कहां से उसकी लाइफ में स्ट्रगल होना शुरू हुई वो मैं आपको बताता हूं। 4 साल तक उसकी लाइफ ठीक ही चल रही थी। उसने कहा भाई मेरे को जो मकान चढ़ाया किराए पे, उससे किराया आ रहा है कुछ, मान लो 5-10 हज़ार रुपये, और कुछ मैं किस्त भर रहा हूं। अब वो जो 50 लाख का लोन था उसने उसकी ऐसी की तैसी कर दी। कैसे समझना, 50 लाख का लोन, अब उसकी नौकरी हिल गई 4 साल बाद, तो उसने कहा कि क्या करें, तो उसने कहा मैं अपना जो पहले वाला मकान उसे बेचता हूं, तो अब नौकरी है नहीं और उसको बैंकों के कॉल आ रहे हैं और वो परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है, तो उसकी गाड़ी फंसी हुई है। कैसे फंसी हुई है ये समझना, वो बैंक में गया, उसने पता लगाया कि उसका लोन कितना रह गया है, तो पता चला उसका 50 लाख का लोन अंदाजन उतना ही खड़ा है। जो उसने 50 लाख का लोन लिया ना, उसमें किस्त थी 47,000 की, 47,000 का इंटरेस्ट गया अंदाजन, और 3-4 हज़ार रुपये का प्रिंसिपल। सो जो 4-5 साल से जो वो अमाउंट पे कर रहा था, उसका प्रिंसिपल अमाउंट उतना ही खड़ा है उसके सर पे, सिर्फ वो 5 साल 4 साल से सिर्फ इंटरेस्ट पे कर रहा था। ये बात समझ आ गई? तो पहली बात तो उसका वो अमाउंट कम और इंटरेस्ट हटा ही नहीं है, उसके इंटरेस्ट ही क्या था। दूसरा, उसका जो मकान है अब उसे जल्दबाजी में बेचना पड़ रहा है, तो उसको उतनी कीमत नहीं मिल रही है, नौकरी गई हुई है, तो वो बीच में फंसा हुआ है। जब उसने नया मकान खरीदा तो रजिस्ट्री के ऊपर 3 से 4 लाख रुपए का उसका जीरो हो गया अमाउंट, समझ में आया। उसके अलावा उसने कमीशन दिया 50-60-70 हज़ार रुपए का, वो जीरो हो गया। जब उसने नया घर बनाया, घर शिफ्टिंग के अंदर उसको दुनिया भर का चीजों पे काम करना पड़ा, वहां पे जो उसने पैसा लगाया वो जीरो हो गया। अब आप ये समझ ला, रजिस्ट्री का अमाउंट जीरो, कमीशन का अमाउंट जीरो, जो उसने स्टार्टिंग का अमाउंट दिया वो उसके हाथ में कंट्रोल नहीं है, क्योंकि बैंक वाले उसको फोन करके परेशान कर रहे हैं, प्रिंसिपल उतना ही खड़ा है। उसने अपनी लाइफ को मैस बना लिया घर शिफ्ट करके, नहीं समझे, अपना घर बेचेगा नया लेगा तब भी फंस गया, अपना घर नहीं बेचता है किराए पे चढ़ाता है और नया घर खरीदता है तब भी फंस गया है। समझ में आ रहा, दोनों सिचुएशन समझ में आ रही है।
ये उसकी गाड़ी फंसी हुई है, तो अब वो घबराया हुआ घूम रहा है, क्या करूं कैसे करूं, क्योंकि अब वो जो उसका मकान है, बैंकों के फोन आ रहे हैं, वो परेशान हो रहा है, फंस गई गाड़ी। मेरा एक और कजन खविंदर नाम है उसका, उसने भी यही प्रॉब्लम फेस कर रहा था, समझ में आ गई? यस सर। दूसरा वाला भी यही प्रॉब्लम फेस कर रहा था, उसने क्या किया, उसने अपना मकान किराए पे चढ़ाया। फॉर एग्जाम्पल 15,000 रुपये उसे अपने मकान से किराए पे आ गए, और उसने 5-4 हज़ार रुपये महीने का किराया बढ़ा के वो 2 BHK से वो 3 BHK में आ गया, अपना किराए पे चढ़ाया, दूसरा किराए पे ले लिया, तो कितने का रिस्क हुआ, सिर्फ 3 से 5 हज़ार रुपये का। उसने बड़ी अच्छी लोकेशन पे शिफ्ट किया 20,000 रुपये में, उसने ऐसी लोकेशन जहां पर प्लांटेशन है, जहां पर ग्रीनरी है, जो उसके ऑफिस के पास है घर, वो घर लिया, उसके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, उसका घर उसको बेचने की जरूरत नहीं पड़ी, वो घर वहीं पर है, उसे किराया आता है, और उसने एक बड़ा घर ले लिया। पहले वाले कजिन ने नया घर खरीद के अपनी जान आफत में ले ली, मेरी बात समझ में आ गई? उसका रजिस्ट्री का अमाउंट जीरो, उसका कमीशन का अमाउंट जीरो, बैंकों की जो 5 साल की जो 4 साल की किस्तें गई, अब 50,000 के हिसाब से 1 साल में कितना हुआ, 6 लाख, 3 साल में कितना हुआ, 18 लाख, ज्यादा नहीं तो 15 लाख रुपए उसका जीरो हो गया, जो सिर्फ इंटरेस्ट का गया। मेरी बात समझ में आ गई? सो आपकी अगर फैमिली बड़ी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, अपना मकान किराए पे चढ़ाओ, एक एक्स्ट्रा रूम का आपको रेंट देना है, जो लोकेशन आपको समझ में आ रही है उस लोकेशन पे रेंट पे ले लो, बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन, बहुत सारे झंझटों से बच जाओगे। हैंड शिफ्टिंग का जो कॉस्ट होता है, आपका मकान जब आपने बेचा उसकी रजिस्ट्री की कॉस्ट सरकार के पास गई, जो आपने नया मकान लिया उसकी रजिस्ट्री की कॉस्ट सरकार के पास गई, अरे सिर्फ रजिस्ट्री के अमाउंट में ही काम हो जाएगा, जो 3 लाख है ना, उतने में ही आप 4-5 साल निकाल जाओगे। दूसरा एडवांटेज आपको ये होता है, जब आप मकान छोटे घर से बड़ा घर जाते हो तो आपको लोन लेना पड़ता है, एक प्रॉब्लम, आपको एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना पड़ता है कि इधर का बेचो उधर की रजिस्ट्री कराओ, दूसरी प्रॉब्लम, तो है रजिस्ट्री की कॉस्ट में निकल जाता है। तीसरा, क्योंकि आपको अच्छी लोकेशन पे घर होना चाहिए ना, एक अच्छा लोकेशन जो आपको अच्छी लगती है, उस लोकेशन पे जाओगे तो बजट बड़ा हो जाएगा, घर अच्छी लोकेशन पे चाहिए तो बजट बड़ा हो जाएगा, लोन उतना बड़ा हो जाएगा। तो आपके पास आसान तरीका यह है कि लोकेशन अच्छी पे जाओ, किराए पे चले जाओ, खरीदोगे तो लोकेशन पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ा बजट आ जाएगा, बहुत बड़ा लोन आ जाएगा। सो रेंटिंग का यह भी फायदा है कि अच्छी लोकेशन पर ले लो ना, ऑफिस के पास ले लो ना, ग्रीन बेल्ट वाली लोकेशन पर ले लो ना, जहां ट्रैफिक कम है, शायद वैसी लोकेशन पर ले लो ना, आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। समझ आ गया? मेरी बात समझ में आ गई? सो आपके लिए बेटर ऑप्शन ये होगा कि आप रेंट पर शिफ्ट हो जाओ, अपना मकान रेंट पर चढ़ा दो, आपकी लाइफ बहुत सिंप्लीफाइड होके बच जाओगे। और ये सॉल्यूशन मैं सिर्फ इसके लिए बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपकी लाइफ में भी ये प्रॉब्लम है, मैं आपको प्रोएक्टिवली सॉल्यूशन दे रहा हूं। एक होता है प्रॉब्लम आ गई, अब क्या करें, फंस गए, लोन ले लिया, ये कर लिया, मकान ले लिया, अब फंस गए। एक है मैं आपको पहले ही अलर्ट कर रहा हूं कि भैया इस प्रॉब्लम में फंस मत जाना। आई होप आपको इस समझ में आया होगा फायदा, इसका वीडियो से कुछ समझ में आया होगा। रेंट इज 10 times 100 times बेटर देन बाइंग अ फ्लैट। लैंड बाय करने के लिए कभी मना नहीं करता हूं, ध्यान रखिएगा, अगर आप बाय कर सकते हैं लैंड बाय कर लीजिए, बाइंग अ फ्लैट इज नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर यू। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, उनकी लाइफ में भी फायदा हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। सक्सेस एंड हैप्पीनेस के लेटेस्ट वीडियोस को वॉच करने के लिए जोरबा डिजाइन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।